Hey guys, it's Manek here. आज के वीडियो में हम जानेंगे कि जो कैबिनेट रीशफलिंग एंड एक्सपेंशन होने वाली है लेटर दिस इवनिंग वो मार्केट्स को कैसे इम्पैक्ट कर सकता है, क्या निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बहुत बड़े गैप अप या गैप डाउन से खुलेंगे, या एग्जैक्टली हम उसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं कल के लिए, इसके बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. एंड ऑलरेडी अगर आपने देखा नहीं है तो मिनिस्टर्स हैव स्टार्टेड क्विटिंग. चाहे आप वो हेल्थ मिनिस्टर्स की बात करो, लेबर मिनिस्टर्स की बात करो, या इवन एजुकेशन मिनिस्टर्स की बात करो, इन सारे मिनिस्टर्स ने ऑलरेडी क्विट करना शुरू कर दिया है. एंड ऐसी भी न्यूज़ चल रही है गाइस कि अगर हमारी सबसे बिलवड मिनिस्टर जो है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर वो अगर क्विट करती है तो हमें एक अपर सर्किट देखने को मिल सकता है. सो कीपिंग ऑल द जोक्स असाइड, लेट्स गो टू माय लैपटॉप स्क्रीन. और अभी हम ये देखते हैं कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए कौन से लेवल्स हो सकते हैं हमारे लिए. एंड ऑल्सो कुछ स्टॉक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे जो मार्केट्स को इम्पैक्ट कर सकते हैं. सो गाइस, ये निफ्टी का डेली चार्ट है एंड आपको ये दिख रहा है कि निफ्टी इज जस्ट अराउंड ऑल टाइम हाईस. और ये पॉइंट से काफी बार हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला है एंड निफ्टी हैज ऑलवेज फेस्ड रेजिस्टेंस इन दिस एरिया और वापस से निफ्टी नीचे आ जाता है. बट यहां पर आप देख रहे हो कि दो तीन दिनों से कुछ अलग हो रहा है. निफ्टी इज नॉट टेकिंग रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस तो जरूर ले रहा है बट साइडवेज जा रहा है एंड ये ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है. तो कल अगर हमें ब्रेकआउट मिलता है इन लेवल्स के ऊपर तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मे बी एक अपमूव हमें देखने को मिलेगा मार्केट्स में, राइट. सो लेट्स गो ऑन आवरली चार्ट्स और हम देखते हैं कि आवरली चार्ट्स में क्या हो रहा है निफ्टी के एग्जैक्टली. सो आवरली चार्ट्स में गाइस आपको ये दिख रहा है कि 50 एमए पे मार्केट्स ने सपोर्ट लिया एंड आज एक हमें अच्छा खासा अपमूव देखने को मिला. मैंने लेवल्स ऑलरेडी मार्क करके रखे हैं. सो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि निफ्टी इज इन अ रेंज. आप बोल सकते हो ये राइजिंग वेज टाइप्स फॉर्मेशन है निफ्टी का, तो जब तक ये अपर साइड का लेवल ब्रेक नहीं होता है हमें लॉन्ग्स इनिशिएट नहीं करने. बट लेट्स से कि अगर अपर साइड का लेवल ब्रेक हो जाता है ऑफ अराउंड लेट्स से 15,930 लेवल्स, जो ये अपर साइड का एरिया है, देन वी कैन सर्च फॉर लॉन्ग्स फॉर टुमारो, राइट. क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट आ रहा है देन मे बी हमें और थोड़ा कंटिन्यूएशन ऑन दी अपसाइड देखने को मिलेगा. काफ़ी बार निफ्टी ने ऑलरेडी रेजिस्टेंस ले लिया है इस एरिया पे और निफ्टी हायर लो बनाते जा रहा है, तो हम एक अपवर्ड डायरेक्शन में ब्रेकआउट 15,930 के ऊपर देख सकते हैं. बट लेट्स सी कि अगर मार्केट नीचे जाने लग जाता है तो हम क्या कर सकते हैं. इन माई ओपिनियन गाइज, हमें शॉर्ट्स के लिए बहुत अग्रेसिव नहीं होना है. वाई? बिकॉज आपको दिख रहा है कि हायर लोज बनते जा रहे हैं, नंबर वन. तो जब तक एटलीस्ट ये लो या इवन ये गैप बोल सकते हो, ये गैप का लेवल नहीं जाता तब तक हमें शॉर्ट्स के बारे में नहीं सोचना चाहिए. एंड लेट्स जस्ट गो ऑन 15 मिनट्स चार्ट, तो हमें इंट्राडे चार्ट्स का भी एक आइडिया मिल जाएगा. तो जब तक गाइज ये लेवल्स ब्रेक नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा है अच्छा खासा सपोर्ट है ऑलरेडी, तो जब तक ये लेवल्स ब्रेक नहीं होते ऑन द डाउन साइड हमें शॉर्ट्स का नहीं सोचना है, एटलीस्ट फॉर टुमारो. एंड जैसे ही ये लेवल्स ब्रेक होते हैं देन वी कैन एक्सपेक्ट मे बी इवन दिस गैप एरिया टू बी टेस्टेड ऑन द डाउन साइड, तो हम ट्रेड ले सकते हैं. एंड कीप इन माइंड गाइज, एक्सपायरी है कल, तो आपको बहुत ओवर लेवरेज पोजिशन नहीं लेना है. वाई? बिकॉज ऑप्शन फ्रीजेस हो सकते हैं अगर बहुत क्विक मूवमेंट्स आ गए ऑप्शन में, और अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हो एंड आपका SLB काम नहीं करेगा, आपका स्टॉप लॉस के थ्रू भी जा सकता है. सो ऑप्शन फ्रीज कैन बी अ वेरी डेंजरस सिचुएशन फॉर यू. चाहे आप ऑप्शन बायर हो या ऑप्शन सेलर हो, आपका काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है अगर आपने बहुत हैवी क्वांटिटी से ट्रेड किया एंड एक ऑप्शन फ्रीज आ गया तो, राइट. सो ये निफ्टी के लिए था एनालिसिस गाइस. नाउ लेट्स गो ऑन बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी के डेली चार्ट्स पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो अपर साइड का लाइन है, मैं इन सबको निकाल देता हूँ पहले तो. सो अपर साइड का एरिया है वहां पर बैंक निफ्टी इज टेकिंग रेजिस्टेंस, बट आज आपको दिख रहा है एक इनसाइड बार बना है. सो इनसाइड बार काफी अच्छा तरीका है मोमेंटम कैच करने के लिए, क्योंकि जब भी इनसाइड बार के बाहर प्राइस एक्शन होता है देन वी कैन सी अ गुड ट्रेंडिंग मूव. सो डेली चार्ट्स पे आपको ये दिख रहा है कि बैंक निफ्टी इज फॉर्मिंग हायर लोस, तो बुलिश ही है एंड 50 MA इज ऑल्सो स्लोपिंग अपवर्ड्स. तो मैं 50 MA काफी यूज करता हूँ एंड मैं इसका स्लोप देखता हूँ ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए. सो लेट्स गो ऑन आवरली चार्ट्स. आवरली चार्ट पे अगेन आपको दिख रहा है कि सेम स्टोरी है, हायर लोस बनते जा रहे हैं रेजिस्टेंस के बाजू में. सो जैसे ही हमें एक क्लोज मिलता है 35,800 के ऊपर विथ एटलीस्ट 1 आवर कैंडल, तो हम लॉन्ग जा सकते हैं बैंक निफ्टी पे कल के लिए एंड हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा उस कैंडल का लो अप्रॉक्सीमेटली, आप बोल सकते हो, राइट. सो लेट्स गो ऑन 15 मिनट्स एज वेल और आपको थोड़ा सा इंट्राडे के बारे में भी हम बात कर लेते हैं. सो अगेन आपको दिख रहा है कि अच्छा खासा एक ये यू फॉर्मेशन बना है, एक कप जैसे आप बोल सकते हो, एंड आपको बहुत अग्रेसिवली ट्रेड नहीं करना है सिंपली बिकॉज कैबिनेट मीटिंग है एंड जैसे मैंने आपको बताया बैंक निफ्टी में काफ़ी ऑप्शन प्राइसेस फ्रीज होने का चांसेस होता है. जब भी एक बहुत वॉलेटाइल मूव या बहुत सडन बड़ा मूव आ जाता है आपके ऑप्शन प्राइसेस डेफिनेटली फ्रीज हो सकते हैं, विच कैन डेफिनेटली इनकर यू लॉट्स ऑफ लॉसेस. तो शॉर्ट मैं प्रेफर करूंगा इस लेवल के नीचे. अगर इस लेवल के नीचे हमें बैंक निफ्टी देखने को मिलता है देन कुछ खास सपोर्ट हमें दिख नहीं रहा अराउंड दीज लेवल्स तक. सो मे बी 35,100 लेवल्स तक बैंक निफ्टी आ सकता है अगर इस लेवल का हमें ब्रेकडाउन मिल गया तो, विच इज़ अराउंड 35,400 लेवल्स.
सो ये दोनों लायबल्स काफी इंपॉर्टेंट है कल के लिए. एंड अगर बहुत बड़ा गैप से खुलता है देन दिस एनालिसिस विल नॉट वर्क ऑब्वियसली. एंड लेट्स से कि अगर फ्लैट खुलता है एंड मार्केट्स गो अप और डाउन दिस एरिया, तो हम डेफिनेटली ट्रेड्स के बारे में सोच सकते हैं. एंड लेट्स से कि इस लेवल के नीचे ही अगर गैप डाउन मिलता है तो मे बी गाइज एक पैनिक सिनेरियो हो जाएगा एंड मार्केट्स विल सी अ डाउन मूव. व्हाई? बिकॉज ये काफी अपवर्ड्स मूवमेंट था एंड सडनली जब भी एक बड़ा गैप डाउन आ जाएगा तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मे बी एक पैनिक सिनेरियो बन जाएगा मार्केट्स में, बिकॉज इट विल बी वेरी सरप्राइजिंग फॉर द मार्केट्स, राइट? और डाउनवर्ड गैप्स में आपको जनरली दिखेगा कि बहुत सारा पैनिक ऑलरेडी होता है. एंड ऑल्सो गाइस हमें रिलायंस एंड HDFC बैंक पे ध्यान रखना है बिकॉज दोज आर दी हैवी वेट्स. एंड डेली चार्ट पे आपको ये दिख रहा होगा कि रिलायंस इज नॉट वेरी बुलिश. 50 MA पे सपोर्ट जरूर ले रहा है बट इट इज ट्राइंग टू कम बैक डाउन. एंड अगर आज का लो ब्रेक हो जाता है तो हम अगेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मे बी रिलायंस विल फॉल डाउन बैक अगेन. सो रिलायंस का कैपेबिलिटी ये भी है कि वो निफ्टी को अकेले ही नीचे लेके आ सकता है. एंड अगर बहुत कुछ बड़ा मूवमेंट अगर कल आता है रिलायंस में देन डेफिनेटली निफ्टी के प्राइसेस भी उसके साथ मूव कर सकते हैं. सेम वेज आपको HDFC बैंक भी देखना है. HDFC बैंक एंड रिलायंस आर बोथ ऑपोजिट. हमने कल के वीडियो में भी बात किया था इसके बारे में. HDFC बैंक इज लुकिंग बुलिश वेर एज रिलायंस इज लुकिंग बेरिश. तो आपको ये दोनों स्टॉक्स को देखना है जरूर से, क्योंकि अगर रिलायंस और HDFC बहुत कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं तो मार्केट्स में मे बी एक सस्टेनेबल मूव नहीं आएगा. बट लेट्स से कि साथ में मूव कर रहे हैं ऑन ईदर साइड तो हमें एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है फॉर टुमारो. सो दिस वॉज इट गाइज. अगर आपको वीडियो पसंद आया मेक श्योर टू स्मैश द लाइक बटन बिलो बिकॉज ये चैनल को बहुत हेल्प करता है एंड आपके लिए लिटरली सिर्फ 2 सेकंड का काम है. एंड मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में.